आप सबको पता है टुडे एन FIR अंडर सेक्शन 144 हैज बीन फाइल्ड अंडर अगेंस्ट मिस महबूबा मुफ्ती। और ये आप जानते हैं, महबूबा जी ने परसों 25 को पोलिंग डे पे जब अनंतनाग में वोटिंग हो रही थी, अनंतनाग कुलगाम राजौरी पुंछ सीट पे, तो उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना किया आउटसाइड द बिजबिहारा पुलिस स्टेशन। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी है। 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के पीडीपी के, अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब है, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अशमुकाम से, बहुत सारे, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ देम, पोलिंग एजेंट्स एज वेल। पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स को, एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ। ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24th, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले। एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, वची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ। और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे पीडीपी के ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड हैं, जहां एजेंसीज, यहां की जो लोकल हैं, सीआईडी हो, कोई और हो, वो अच्छी तरह से जानती है साउथ कश्मीर में पीडीपी के बैस्टियन स्ट्रांग होल्ड कहां कहां हैं, जहां हमारे वोटर निकलते। तो रात में दो चीजें यहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की। सबसे पहली चीज, पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उनको अगवा किया और ये बोला गया हमें अगले दिन कि ये OGW हैं। आप प्लीज मुझे बताइए, हाउ डे यू स्लैंडर आर बॉयज, आर पीडीपी वर्कर्स, दीज यंग बॉयज, दे आर द वंस हु हैव हेल्ड द इंडियन फ्लैग, दे हैव केप्ट द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी फ्लाइंग इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हेन पीपल फाइंड देमसेल्व्स सो डिस्पोंडेंट एंड द लेवल ऑफ एलियनेशन, द गैप हैज इंक्रीज बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विज़वी द रेस्ट ऑफ इंडिया, हाउ डे यू टर्म आर बॉयज एज OGWs। रात में ही हमने स्टार्ट किया, जो DIG साहब हैं, सब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं, महबूबा जी ट्राइड रीचिंग आउट टू देम पर्सनली, आपने देखा होगा मैंने भी एक वीडियो डाला ट्विटर पे, हमें कोई रिस्पांस नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये पकड़ धक्कड़ स्टार्ट हो गई, दो चीजें इनने की, पीडीपी के वर्कर्स को उठाया, और आप जानते हैं वर्कर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मोबिलाइज वोटर्स, क्योंकि यही जो हमारे लड़के होते हैं वोटर्स को इनकरेज करते हैं, मोबिलाइज कराते हैं। एंड लोगों में साउथ कश्मीर में जहां जहां पीडीपी का ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड था, वहां लोगों के दिलों में दहशत करने की कोशिश की ताकि ये वोट नहीं डालें। और आप खुद देखिए जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी, उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उस परसेंटेज को नीचे लाया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे। तो ये जो सारी ये FIR रजिस्टर हुई भी है, आप मुझे बताइए, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग और वो कहती हैं कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है, मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है, तो क्या है वो एंटी नेशनल है? इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये FIR करते हैं? एंड हाउ डेयर यू पॉन्टिफिकेट अबाउट द MCC टू अस, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं, इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ MCC? And I want to ask the Home Minister, I want to ask the Prime Minister, that on one hand you applaud the people of South Kashmir, Anantnag, you say congratulations, यहाँ voting percentage बहुत high हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने यहाँ की voting percentage को low करने की कोशिश की। जैसे आपने पुलवामा में you played mischief, आपने हमारे वहाँ भी workers को उठाया, polling agents को उठाया, क्योंकि आप जानते हैं PDP के strongholds कौन से हैं, उनको आपने selectively target किया। तो आज आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था कि ये जो FIR लॉन्च की है, दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। पीडीपी, आर प्रेसिडेंट मिस महबूबा मुफ्ती नोज द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इन जम्मू एंड कश्मीर। आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे। और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ, हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे। एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डे नॉट टच आर बॉयज, दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव वर्क। आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हर गिज
किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे। तो मैं यही आके आप लोगों से इसी के बारे में बात करना चाहती थी।